एक बच्चे ने कहा कि सर टैंक बना दीजिए, तो टैंक बनाना सिखा दीजिए। तो चलो आज का टॉपिक है कुछ डिफरेंट है, तो टैंक कैसे बनाया जाता है इस चीज को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। एकदम सिंपल डिजाइन है, इसी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक सिंगल लाइन हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। अब इस सेक्शन में यहां से क्या होगा, इस पॉइंट से इस फॉर्म पे जो बैक इसका बोनेट सेक्शन है उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा जूम करते हैं यहां से। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस ड्रॉइंग के अंदर पर बन जाएगी पूरी। हर पार्ट को बहुत आहिस्ते से बनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अब कुछ हर पार्ट के अंदर से इन सेक्शन को ब्लैंक करना है। हर ड्राइंग को ऐसे देखिएगा कि कहीं से ऐसा नहीं कि वो ब्रेक हो रही हो, कि बाद में कलर फिल करें तो लीक करें वहां पे। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये सेक्शन देखिए थोड़ा सा यहाँ से खुल रहा है। अब इनको थोड़ा सा एक डबल शेप देते हैं यहाँ से। सेम्स में देंगे। इस टाइप की जो ड्राइंग होती है बहुत पेशेंस की होती है, इनमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इनको ड्रॉ करने में। अब इसी के अंदर यहाँ पे जो है ये सेक्शन में कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने से पहले क्या करें, इस पार्ट को जूम कर लें।
ये चीज रिपीट करनी है आपको। करेक्ट, जब कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए। अब यहाँ से क्या सेक्शन है कि यहाँ से हमको एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो इस ऑब्जेक्ट को मैं कवर करने के लिए, जो एक कैबिनेट जो हमारे पास यहाँ बनी हुई थी, इस कैबिनेट को हम लोग यहाँ से कवर कर दे रहे हैं। ताकि टॉप अपर पोर्शन के जितने भी हमारे पास व्हील्स हैं ये शो ना। लाइन कट रही, कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अभी स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर देंगे तो ये पार्ट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी लाइन हमारी कनेक्टेड हो चुकी है। सेक्शन और एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है हमारे पास, ये पार्ट है, इसको वाइप कर दें।
क्योंकि ये ड्राइंग कोई मैनुअल पेंसिल से था नहीं कि हमने शेड देके बना दी। सब ऑफिशियल टूल्स यूज करने जाते हैं, टूल्स में ही हम लोग उनसे ड्रॉ कर पाएंगे। तो रिवर्स फॉर्म में यहीं से बना करते हैं। अब देखिए जैसे मेन टिपिकल सेक्शन जो था वो मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, उसको बनाने में थोड़ा समय लगा। अब ऐसे क्या है कि इसका जो सेकेंड पार्ट है यूनिट, वो हमको ड्रॉ करनी है साइड से।
अगर यहाँ साइड से देखेंगे तो ये एंगल जो हमारा होगा ये डाउन पे दबा होगा, इस पोर्शन को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे ताकि इस एंगल से हमको हाफ सेक्शन ही अपीयर हो। इतना पोर्शन हिडन हो गया। अब इसमें ये जो सेक्शन जा रहे हैं साइड में इसमें थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, थोड़ा सेक्शन जूम कर लेते हैं। ये वो बेल्ट है जो बेल्ट इन व्हील्स के ऊपर मूवमेंट करेगी। अब इसके ऊपर बनाते हैं टॉप एरिया। टॉप के लिए पूरा टॉप हमारे पास एम्प्टी है, आप पूरे सेक्शन को यूज कर सकते हैं यहां से। एक लाइन ऐसे ले ली, इसको भी यहीं से लेते हैं तो कुछ थोड़ा एंगल से पूरे पोर्शन को हमको एंगेज करना है। हर पार्ट को क्लोज करते चलिए। आई थिंक सो से बंकर सेक्शन है। इस सेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छा बना देते हैं।
इसके अंदर कुछ बना लेते हैं पावर विंडोज, जहां से हमारे फौजी कुछ देख सकते हैं। आई होप योर टैंक इज रेडी। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं, छोटी चीजें हैं बस, इन चीजों को पूरा कर देते हैं। ये जो कलर जो यहाँ पर हो रहा है तो क्या कीजिए, जूम कर दीजिए और जूम। ये सेक्शन देखिए यहाँ से ओपन है राइट। सब तरह पीछे से बेल्ट को तो हम लोगों ने जोड़ा नहीं, जोड़ा ही नहीं तो चलेगी कहां से। ये काम भी हमारे यहाँ पर फिनिश हो गया।
देश का ये हमने अपना बना लिया। इसके ऊपर एक ट्राई कलर में अपना ये आपका टैंक रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगा तो इसको